आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्तदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दिलों को भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। मेरी तरफ से बेतहाशा दुआ और सलाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और पुरसकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हूँ। आमीन सुम आमीन। सुबह का टाइम है और मैं अपनी सास और ससुर के कप लेके आई हूँ, सुबह दिए थे इनको खाने के लिए थोड़ा सा, बाकी की क्या समाज में बच्चों को तैयार करती हूँ, स्कूल में भेजती है। स्कूल से काफ़ी लेट आते हैं, इसलिए आज उनको मैंने अंडा पराठा लंच में दिया है, और साथ जो तीसरे नंबर वाला है वो खाता नहीं अंडा पराठा, तो इसलिए मैंने आए उसको चीनी वाला पराठा दिया, वो भी फॉइल में पैक करके चारों को। और इसके बाद उनको तैयार किया है, वो स्कूल चले गए हैं, और ये मैंने सामान लाया है सारे घर को। चूल्हा ऑन करेंगे, बाबा जी के लिए नाश्ता बनाएंगे, बर्तन है सुबह वाले, रात वाले नहीं है। ये भी खा पी के कुछ ना कुछ कहें, और बाबा जी कह रहे थे कि मेरे लिए ज़रा चीनी कम डालना। थोड़ी शुगर प्रॉब्लम ही है नहीं, बस इनके लिए चाय रखते हैं थोड़ी सी, एक कप। साथ में डालते हैं हल्की सी चीनी, सूखी रोटी पकाऊंगी और साथ में अंडा बना दूंगी। कुछ ज़्यादा नहीं होगी, कम कर। छोटी सी चम्मच एक डाल, अंडा बनाऊंगी तोड़ूंगी नहीं। बाबा जी जर्दी वाला अंडा निकालते, लिहाजा पूरी जर्दी मैंने निकाल दी है, और ये मैं अब फेंक दूंगी, ये सारा निकाल दूँ, ये फेंकने लगी डस्टबिन। सुबह का टाइम और धूप माशाल्लाह ज़बरदस्त निकली हुई है, चिड़िया नीचे जा रही है, इस तरह दिखाते ठीक है। और ये कल कपड़े धो के डाले थे अल्हम्दुलिल्लाह, रात को मैंने नहीं उतारे क्योंकि मौसम सही था। इधर से मैंने चरपाई उठा दी है, बाहर रखी थी धूप लगाने के लिए, सूख जाए फिर उसको अंदर ही रखेंगे क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, नहीं चर पाइए तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हल्का सा डालेंगे नमक, इसको फेंट के रख देंगे, ये आपको कहीं येलो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मैंने जो पहले इसमें अंडे फेंटे हुए थे ना बच्चों के लिए, सो बनाया था, मैंने कहा अब प्लेटें कितनी देर लगाऊँ और इसमें मैंने कर दिया ये सफ़ेद अंडा, ऐसे जर्दी खाते हैं बाकी कर देते हैं। अब इनके लिए पेड़ा बना के रोटी डालती हूँ, और पेड़ा भी आज बिल्कुल सिंपल होंगे, ने कोई घी अंदर भी नहीं लगाऊंगी ने और ना बाहर लगाऊंगी ने, क्योंकि इनको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इस वजह से ज़रा इनके लिए एहतियात भी लाजमी है, ठीक है। पाड़ की जी पावे रंग की रोटी, ठीक है। ये इधर दूध पत्ती पावे रंग की हल्की सी शुगर डाल के बनाई है, मैंने सुबह बच्चों के साथ ब्रेड खा ली थी और बिल्कुल भी नहीं खाने का मूड है कोई चीज़, सिर्फ पानी मैंने कदर कर रहा है। सुबह सुबह कुछ खा लो तो अंदर जलना शुरू हो जाता है, गला लगता है तो बड़ा ख़राब हो गया,
अल्लाह कितनी ठंड है, मैंने खोला हुआ है तो यूँ लगता है ठर ठुर गया जी सब। लेकिन है बड़ा खूबसूरत सा, क्लियर हर चीज़ हुई है। 3 दिन बारिश लगी हुई है ना, इतना अच्छा लगता है बाहर भी महसूस है। आज इंशाल्लाह टाइम निकाल के बाहर बैठेंगे, टमाटे तो खाएंगे बाहर बैठ के इंशाल्लाह। माल्टे मतलब बिक्की माल्टा खानी होगा, ज़्यादा नहीं होंगे खानी। वैसे तो शोर निकलते रहे, और कल मैंने जो खाए दो दफ़ा खाए तो वो मीठे निकल गए, तो हैरान हो मैं भी खुद माल्टे देख के। बन गई है मेरे हाथ से चाय, इनके लिए चाय डालती हूँ मैं। ज़रा बावेरों का अंडा हो गया तैयार, सफ़ेद सर्दी वाला, ठीक है। ये इधर रखते हैं रोटी की, रोटी भी है सूखी, और साथ में ये मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि आपके घर में भी कोई बूढ़ा बीमार है इसी तरह का, तो वो भी आप यही इस्तेमाल करें चीज़ें। चाय डालते हैं इनकी, दूध पत्ती, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो अब ज़रा मैं कैमरे को करती हूँ बंद और इनको दे आती हूँ नाश्ता। अच्छा ये ग्लास में लाई थी सफ़ा एंड कैश एंड कैरी से, ही गंदा वैसे हुआ मैं धोने के लिए रखने लगी हूँ। तेरी इतना मज़े का है ग्लास है। लेकिन इसमें एक खामी भी है, खामी मैं ये बताती हूँ कि हल्का सा भी करिए इसको कोई हाथ लग जाए वो चिकनाई वाला, तो ये इसमें अगर पानी भी पड़ा हो ना तो ये गिर जाता है। इसको बिल्कुल ये यानी कि सूखे हुए साफ हाथों से ये पानी पीने वाला है और रखने वाला है, बहुत अच्छे हैं। शीशा प्लास्टिक है ये, खूबसूरत कलर है। ऐसा मेरी मम्मी की शादी का कस्टर्ड का सेट है, बड़ा सा डोंगा है सेवैयों वाला, कस्टर्ड वाला है, अल्लाह जाने जो भी मर्ज़ी मीठा डालें, और साथ उसके साथ 6 प्यालियाँ हैं लेकिन वो कांच की हैं, अच्छे वाला जो चीनी वाला कांच नहीं होता है उसके, बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन है। तो इसको देख के ना मुझे मम्मी की याद आ जाती है कस्टर्ड के सेट की शादी में। कितना पुराना है लेकिन है बहुत खूबसूरत, और फिलहाल बिखरा बुखरा सा ये सब वहाँ करते हैं बंद। और इधर भी वही सिस्टम है, बिखरे बुखरे वाले अलमारियाँ अलमूरियाँ खुली यार में से बच्चे सुकून जाते हैं ना। इसके बाद बहुत कुछ संभालना पड़ता है, मेरे मियाँ जी के कपड़े देखकर टेर लगे, मैं कहती थोड़े से और निकाल के बाहर लगा दिया करें। और तोते इस टाइम सोए हुए देर से निकालते हैं, दूध की देख के रख देगी ये। और मेरे बेबी ने 2 खाए बिस्किट और 2 रख के चला गया, और ये देखो टिशू की दरकार के रखे, और मोटे मेरे ख्याल से बेचारी जैसे उठाई रख दो, कपड़े प्रेस करने हैं वो इंशाल्लाह बाद में करूँगी। और जो रुई थी वो मैंने दोबारा इनमें पैक कर दी, एक इसमें की एक इसमें, अब इनका मुंह सिलाई करूँगी जब काम वगैरह कर लूँगी ना, उसके बाद इसको करूँगी सिलाई करके रख दूँगी बाहर पोर्च में, चरपाई जो बिछी है ना धूप में बैठ के इंशाल्लाह आराम से रखूँगी करूँगी। और मैंने जो कपड़े पहने हुए थे ना अल्लाह भला करे उस दर्जी का बेड़ा गर्क करके दे दिए हैं, ये देखिए ज़रा
बिल्कुल मेरा गला जो है ना, जिस तरह कोई दबा नहीं लेता, पकड़ नहीं लेता, ऐसे है। एक तो अगर खुला भी होता है ना, फिर भी होता है वो, लगता है हाई नेक पहनी हुई है नीचे दब के, चिमटी हुई ऐसे ही शदीद वाले। और ये देखे जो इसने पता नहीं क्या बना के लगाया होता भूख से, दिल ही नहीं करता है कसम से। उसमें कहती हूँ उसको काट के गोल सा गला बना दे, काट के गोल गला कर दे इसका यहाँ से, तो मुझे गोल ही मंजूर है। सोच रही हूँ आज आज देती हूँ उससे इंशाल्लाह। और इस टाइम खामोश की छाई हुई है और मैं थोड़ी सी देर लेटूंगी, इसके बाद उठकर नाश्ता बनाऊंगी अपनी सास के लिए और फिर अपने मियाँ के लिए। वो अपनी गाड़ी वॉश करवाने के लिए गए हुए, कहे थे बहुत ज़्यादा गंदी हुई है इस वजह से। और सुबह के भी 8:15 बज रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपका आज का सुबह के रूटीन और सुबह के पता चल गया होगा कि मैं सुबह के टाइम क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप कुछ इसमें चाहेंगे चेंजिंग या तब्दीली या कुछ कुछ और इसमें चाहिए मेरी या लाइफ के बारे में या कुछ और आपको या कुछ और आपको तफसील पूछनी है किसी के बारे में या मेरे बचपन के कोई स्टोरी बातें, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाल वाला बटन है राइट है लेफ्ट तरफ है जिधर भी है, और बेल आइकन का निशान आएगा, बेल आइकन का निशान को प्रेस करेंगे ऊपर वाले को तो मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़। और ये अंधेरा इसलिए क्योंकि भी मैंने लाइट ज़रा ऑफ कर दी।